हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ़ ए इज स्केयर मैट्रिक्स, ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है मेरे पास जिसका ऑर्डर क्या है 3x3 है, ठीक है दोस्तों। एंड और मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे ए डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है, मुझे फाइंड आउट करना है 3 ए डिटरमिनेंट की, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। और वो प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए और जिसका ऑर्डर है मेरे पास n×n। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर इस मैट्रिक्स के किसी एक कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है, कॉन्स्टेंट मान लीजिए p, और इनका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हमेशा होता है p^n डिटरमिनेंट के बराबर। यह है मेरे पास प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 3a डिटरमिनेंट की। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, हाँ जी, तो n की वैल्यू यहाँ क्या है, ये इसका ऑर्डर क्या था n×n, इसका ऑर्डर क्या है 3x3, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ से 3। इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, ये यहाँ पे पी क्या है 3 है, पी को कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे पी क्या है 3 है, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर n और a का डिटरमिनेंट, ठीक है दोस्तों। 3 की पावर 3 क्या होती है 27, मल्टीप्लाई a का डिटरमिनेंट क्या है 5, 57 35, 3 5 2 10 और 3 13, तो इसका आंसर क्या आ गया 135, ठीक है दोस्तों। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने और मेरा क्वेश्चन आ गया 135। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। और क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है, दो चीज़ें होती है दोस्तों, एक तो होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों, और एक होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, पहले सिंगुलर मैट्रिक्स को समझते हैं। आइए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, एक कोई मैट्रिक्स दे दी जाएगी ए इज इक्वल टू 1 2 1 2, ठीक है दोस्तों। ये पूछ लिया जाएगा ये सिंगुलर है क्या नॉन सिंगुलर है, किस टाइप की मैट्रिक्स है, तो मुझे पता है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0 के बराबर। इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लो सिंपली, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और माइनस के 2 एकम 2 0, यानी कि इसका ए डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 0, इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 0, यानी कि ये क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास 3 8 1 -4 1 1 -4 1 1, ठीक है दोस्तों, ये कोई मैट्रिक्स है, ये देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। 3 एज इट इज, इसको छोड़ दिया, 1 -1, ठीक है दोस्तों, उसके बाद -8 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, -4 बीच में माइनस आएगा और -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद प्लस का वन, ये गया -4 और माइनस आएगा माइनस माइनस +4, ये 3 × 0 -8 × 0 +1 और −0, तो क्या आ गया 0, यानी कि इसका डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू किसके बराबर है 0 के बराबर। ये भी क्या है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों। सिंगुलर मैट्रिक्स के बेस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 5 10 x और 4, ठीक है दोस्तों, क्या दिया होगा, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको 4 आंसर दे दिए जाएंगे, ए बी सी और डी, ए है 3, बी है 4, सी है 2 और डी है 5 मान लीजिए, ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर है, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और मुझे पता है कोई सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, हमेशा
जीरो के बराबर होता है, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के उसको जीरो के बराबर रख दो। तो ए का डिटरमिनेंट 5, 10, x, 4, हाँ जी 5 × 20, ये किसके बराबर? जीरो के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। 5 × 20 − 10x इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये जीरो के बराबर है। बस इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से x क्या गया 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, यानी कि सी क्या गया मेरा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बस आपको सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन पता होनी चाहिए। कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाती है जब उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। आइए अब नॉन सिंगुलर देखते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए डिटरमिनेंट, हाँ जी 4 × 4 − 6, तो −2, हाँ जी −2 जीरो के बराबर नहीं है, तो ये क्या है? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे आप 3×3 की मैट्रिक्स भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये तो थी डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़। आइए अब देखते हैं डिटरमिनेंट की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट के हेल्प से मैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे कोई ट्रायंगल है, इसका ए कोऑर्डिनेट है x1 और y1, बी कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और सी कोऑर्डिनेट है x3 और y3। ठीक है दोस्तों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है दोस्तों, ये होता है मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, और जिस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ए 0 0, बी −2 3, और सी 10 7। ठीक है दोस्तों, इस ट्रायंगल का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ट्रायंगल है और ए मेरे पास x1 की वैल्यू क्या है? 0, और y1 कंपेयर कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही x2 y2, x2 की वैल्यू क्या है? −2, और y2 की वैल्यू 3, और x3 y3 10 और 7। ठीक है दोस्तों, तो फार्मूले वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या होता है? 1/2, हाँ जी x1 x2 x3, x1 क्या है? 0, x2 क्या है? −2, x3 क्या है? 10, उसके बाद y1 y2 और y3, और ये तो 1 1 था। ठीक है दोस्तों, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, वो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। आइए करते हैं 1/2 एज इट इज़। ठीक है दोस्तों, 1/2 बाहर है, हाँ जी 0 आगे रखा। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई 3 −7। ठीक है दोस्तों, उसके बाद −0, प्लस के बाद −7 है, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, और उसके बाद −2 और −10। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको +1, ये 7 × 14 −14 और −30। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2, हाँ जी ये तो 0 आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई है, और ये भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो ये क्या बचा मेरे पास? −44, और 1/2 × 44 क्या आ गया मेरे पास? −22। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ गया −22। अगर आप खुद ही सोचें, कोई भी एरिया माइनस में होता है? कोई भी एरिया कभी भी माइनस में, एरिया या वॉल्यूम या लेंथ कभी भी माइनस में नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये नेगेटिव में नहीं, तो इसको 22 स्केयर यूनिट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एरिया हमेशा स्केयर यूनिट में होता है, माइनस में नहीं लेना है एरिया। अगर माइनस में है तो उसको क्या कर दो? प्लस में कर दो, क्योंकि एरिया हमेशा प्लस में होता है। तो इसका क्या आ जाएगा? 22 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। इस तरह से आप डिटरमिनेंट की हेल्प से किसी भी ट्रायंगल का एरिया इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास, इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। कोई ट्रायंगल है जिसका एरिया मुझे ऑलरेडी गिवन है, एंड द वर्टिसेस, उसके वर्टिसेस, ये ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस ए ये रहा, और बी ये रहा, और सी ये रहा। मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे, x1 की वैल्यू क्या है? x है,
और y1 की वैल्यू 0 है, ऐसे ही x2y2, ऐसे ही x3y3। ठीक है दोस्तों, अब मुझे जो जो गिवन है वो लिख दो क्वेश्चन में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये होता है, फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 x1 की जगह पे क्या है, x है, x2 की जगह पे क्या है मेरा 4 है, और x3 की जगह पे क्या है 0, y1 की जगह पे 0, y2 की जगह पे 0 और y3 की जगह पे 2, 1 1 1। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये होता है, निकाल देते हैं। तो 1/2 तो बाहर है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया x, ये कट, इसके सामने वाला कैंसिल, और ये 0 और माइनस के 2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है माइनस, ये गया और ये गया, 4 एकम 4 और माइनस के 0। उसके बाद प्लस, ये गया गया 4 दूनी 8 माइनस के 0। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व किया 1/2, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस के 2x, ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस के 8। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। ठीक, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। अब ये क्या आ गया मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसको किसके बराबर रखेंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 4 स्क्वायर यूनिट है, इसको मैं प्लस माइनस का 4 लिखूँगा। ऐसा क्यों, तथा क्योंकि x की वैल्यू तो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू तो प्लस माइनस हो सकती है, पर एरिया हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो इसको मैं प्लस माइनस इसलिए लिखा क्योंकि x की वैल्यू मुझे निकाल दिया यहाँ पे, क्योंकि ये x की वैल्यू इज इक्वल टू है। ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको प्लस की वैल्यू लेके करते हैं, प्लस की वैल्यू लेके करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2x प्लस के 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, ये 4 दूनी 8 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 8, इसके साथ ये कट गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 0। एक तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, एक x ले, एक बार लेते हैं माइनस 4, 1/2 माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4, इसके उधर मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है दोस्तों, माइनस के 2x इज इक्वल टू उधर जाके आ जाएगा माइनस के 16, इसके साथ ये कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, यहाँ पे x है, फाइंड x। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, एक तो आ गई मेरे पास 0 और 8, तो ये क्या आ जाएगा मेरे राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी आपसे एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।